कैसे चले? बारिश हो रही है इतनी खतरनाक वाली, मतलब आते ही बारिश इतनी खतरनाक वाली। And he keeps talking about everything that he likes, and I can't stop listening. I think about him all the time. I think about him all the time. I think about him all the time. All the time. And my heart's beating fast when he's looking like that. Oh, his smile is killing me. It's the way that he moves and the way that he laughs, so I can't get enough. I think about him all the time. I can't get him off my mind. और यहाँ पर कुछ सब्जियाँ और फ्रूट्स हैं जिनको अभी वॉश करना है। मैं बाहर ऐसे निकाल करके लेआउट कर दी हूँ। इन सबको अभी ऑर्गेनाइज़ करना है, तो ये तुरंत कर दो तो ठीक रहता है, फिर बाद में मन नहीं करता। I can swear, I can joke, I say what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys, and you'll see me holding up my middle finger to the world. Fuck your ribbons and your pearls, pearls, pearls. Cause I'm not just a pretty girl, I'm more than just a picture. I'm a daughter and a sister. Sometimes it's hard for me to show that I'm. और ये सब तड़के की सामग्री है, तो कढ़ी बनाने जा रही हूँ। तो कढ़ी के लिए जितने भी तड़के हैं आपने देख ही लिया है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सबको डालना है। मैं सरसों के तेल में ही मतलब बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो बस इन सबको डालना है, और एक मीडियम साइज़ का प्याज काटना है और उसको डालना है, और अदरक और लहसुन जो है ना वो भी कूट करके डालना है। और जब प्याज थोड़ा गल जाए तो उसके बाद में जितने भी मसाले हैं, हल्दी, नमक, ये सब, मतलब नमक तो मैं लास्ट में डालती हूँ, हल्दी, मिर्ची पाउडर और ये सब मतलब डाल करके और अच्छे से भूनना है एक मिनट के करीब। और उसके बाद जो घोल मैंने तैयार किया था वो उसको डालना है। और कढ़ी को तो जितना आप मतलब चलाओ उतना अच्छा रहता है, कंटिन्यू चलाते हैं। और ये पुलाव बनाने जा रही हूँ, सिंपल पुलाव। तो उसी के ये तड़के हैं, जो होल मसाले होते हैं ना साबुत, वो गरम मसाले, तो वो सब डाल ली हूँ। और एक प्याज काटी हूँ, और ये बड़े साइज का प्याज है, और उसको अच्छे से भूनना है सॉफ्ट होने तक। उसके बाद में चावल डाल करके और फ्राई करना है, जो भी चावल जैसे बासमती चावल हो या फिर कोई और भी, तो डाल करके और फ्राई करना है थोड़ी देर तक। और उसके बाद में पानी डाल करके और बस कुकर को ढक्कन लगा दीजिए, और बस एक सीटी लगाना है। और हाँ, इसमें आप अपना नमक भी स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने एक चम्मच नमक भी डाला है क्योंकि मेरे बच्चों को ये पसंद आता है नमक डाला हुआ। तो ये देखिए मेरा पुलाव बिल्कुल रेडी है और एकदम फरी फरी हुआ है। देखिए अलग अलग सारे दाने नज़र आ रहे हैं, और बस यहाँ पर मेरा खाना बनकर रेडी। गाइज, ऑलवेज स्माइल एंड बींग ह्यूमन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आज अभी तो 8:30 हो चुका है सुबह का, मॉर्निंग का। तो सुबह 4:30 बजे गई थी मैं मॉर्निंग वॉक लेने, और उसके बाद उधर से आई तो फिर वही काम वगैरह सब हुआ, नहाना धोना। अभी 8:30 हो गया, मैं हेयर वॉश करके नहा भी लिया। और अभी खुशी केशव 8 बजे उठे थे, उन लोगों को उठाया मैंने, तो खुशी अभी नहाने गई है। केशव अभी आराम से लेटा हुआ है, वो भी नहाने जाएगा, निकलेगी तो फिर केशव जाएगा। हाँ, हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह भी सब बन चुका है। आज ब्रेकफास्ट में पोहा बनाया है, और कल खाना वगैरह खा ली। उसके बाद में फिर मैंने वीडियो को शूट नहीं किया क्योंकि मुझे कहीं जाना था। कल हमारे यहाँ मतलब वृक्षारोपण था, तो उसी में मैं गई थी और वृक्ष भी लगाया मैंने एक। तो कल सभी लेडीज़ एक एक वृक्ष मतलब पौधा लगाया। और ये अच्छी चीज़ें हैं ना,
ये एक यादगार रहता है। और वृक्ष लगाना तो बहुत पुण्य का काम होता है, वृक्ष तो लगाना ही चाहिए हर एक इंसान को। और देखिए जो अब जो वृक्ष काटे जा रहे हैं उसके बदले में एक जो मान लो जो पुराना हो रहा है ना उसको अगर काट लिया जा रहा है तो उसके बदले में अगर कोई नया लग रहा है तो ये तो अति उत्तम काम हो गया ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कल एक वृक्ष लगा करके मुझे जो खुशी मिली ना वो बहुत मतलब हद से ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद फिर आई तो मैं वीडियो वगैरह शूट नहीं की, एक तो धूप थी ना और गर्मी भी बहुत एकदम ज़बरदस्त कर रहा है यहाँ पे। कभी कभी बारिश हो रही है, एक दिन बारिश हो रही है तो बस एक सप्ताह तक मतलब गर्मी। अभी देखिए नहा कर निकली हूँ लेकिन कितनी गर्मी लग रही है। जल्दी उठने के भी खुद के ही फायदे होते हैं, जल्दी उठिए जल्दी काम होता है, जल्दी हर चीज़ हो जाता है और थोड़ा हम लोगों को मतलब वक्त भी मिल जाता है, थोड़ा टाइम भी मिल जाता है, टाइम की बचत होती है। जल्दी जल्दी उठो, फटाफट काम करो और वक्त का सेविंग करो। तो चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं। There's never a guarantee that loving is so easy. Some may define it as sugar and brownies, but it's hard just to slide it. कितना अच्छा लगता ना गार्डन का एकदम ताजा ताजा तोड़ो और खाओ। ये ना खाली बादल घिर रहे हैं गर्मी से। इस कैमरे ने सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस किया था, पीछे ब्लर कर दिया है। किसको? आपको। अच्छा ज्यादा बारिश कर रहा है। कितना अच्छा तो मौसम किया है, और किया है, बारिश हो नहीं रही है ना। क्वाइट नाइस। हाँ कि पेड़ पौधे ना दिखे ना एकदम ही, एकदम मस्त मौसम लगता है। सामान लाने के लिए पूजा आनंद बाजार गया, पूजा वाला सामान ले लिया था ना। हाँ, संकल्प को बैठा हाँ। नहीं और एक दो साल का दिक्कत है, जब 18 साल का भी तो 13 साल का है, चीजों का भी नहीं चला शुरू में। इसको कोई बोलता है कि 13 साल का है, बैठना इसका पीछे इतना लंबा हो गया, कभी भी पीछे बैठना बोला शुरू लिमिट में चला 30-40 के बीच में, ज्यादा फास्ट बाइक कभी नहीं चला है। इसलिए अभी मैं दूंगी इसको चलाने के लिए। सुधीर भी तो बहुत फास्ट चलाते हैं। तो सुधीर बड़ा हो गया, ये भी बड़ा है, 13 साल का बच्चा का क्या उम्र अभी, इसको 13 साल का है, कोई बीट करता है। इस ग्राउंड में अच्छा रहा, सिखा दिया, खुला है। अब आपने मुझे भी तो सिखाया ना, मैं भी तो चलाती बाइक, अब भूल गए, मुझे भी आता बाइक चलाना। बहुत नहीं मेन था ना कि साइकिल वगैरह चलाता था, इस वजह से इसको जल्दी मतलब। आपने साइकिल नहीं आती ना आपको चलाने? आती है, मैं बैठा करके नहीं चला सकती। नहीं आपको तो नहीं आती है साइकिल चलाने? सिंगल चला लेती हूं, क्या बात करती। एक से दो दिन में यामा क्रक्स गाड़ी जो मिली थी सीख गई चलाने। अब कब? मैं सिंगल खुद साइकिल चला लेती हूं, लेकिन बैठा करके सोचो। पहले वाली गाड़ी देखी थी? नहीं, वो ग्रे कलर की नहीं देखी, यामा क्रक्स। अच्छा देखो बाहर बारिश जैसे मौसम किया, अंदर उमस। 2011 में बेचा हूँ, 12 में थे ना। कौन सी गाड़ी में? तो वो मेरे शादी में मिली थी, दहेज में। दहेज 11-12 में बेचा हूँ मैं, 10,000। अच्छा वो भी 10,000 ले लिया मैं, तो वो भी जाना। हाँ, ले लिया कर्जा। पहली पूजा वगैरह हमने शाम वाली पूजा वगैरह सब चीज कर लिया, और देखिए मंदिर की आवाज भी आ रही है। तो बस मैंने सोचा कि चलो अब वीडियो को भी एंड ही कर दे रही हूँ, और केशव वगैरह तो ये लोग खेलने के लिए चले गए। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को क्या करना है? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, take care, bye. Love is all around you, and sun goes up for you every day.